अभी जैसे मैंने वीडियो ये सॉरी एसएमएस करना है तो सबसे पहले मैंने नंबर कॉपी किया है, ठीक है, कॉपी किया। अब मैं जाऊंगी एसएमएस में और क्रिएट ग्रुप बनाऊंगी। स्टार्ट चैट, क्रिएट ग्रुप, यहाँ पे पेस्ट करूँगी, ठीक है। अब ये जो पॉपअप दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है नीचे, ये जो दिख रहा है, ये देखिए, ये कहाँ से दिखा, मैं इसको डिलीट करके फिर से दिखाती हूँ। ये पेस्ट किया आपने, ये देखिए नंबर चेक कीजिए, जो नीचे दिख रहा है नीचे की तरफ, उसमें क्या लिखा है, 30205 सबसे पहला नंबर पे, देखिए ये देखिए, ये वाला नंबर वही है ना जो नीचे दिख रहा है, यानी वो पॉपअप हो गया है। अब इसको टिक करना है, बस वो आ गया, लेकिन बाकी नंबर गायब होते हैं तो हमें दोबारा पेस्ट करना है। ये हर मोबाइल में सेम सिचुएशंस नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी। अब जैसे ये वाला जो नंबर है, ये देखिए ऊपर आ चुका है, ऊपर आ चुका है ना, तो हमें क्या करना है, ये नंबर उड़ा देना है। अब ये देखिए नया दूसरा अगला नंबर जो है पॉपअप हो गया नीचे की तरफ, फिर उसे टिक करना है, फिर वापस पेस्ट करना है, ठीक है, वापस पेस्ट करना। आप कितने नंबर हो गए ऊपर पॉपअप, दो नंबर हो गए, तो ये दो डिलीट कर दीजिए। आप देखिए तीसरा पॉपअप हो गया, इस तरह से पूरा करना है, फिर नेक्स्ट जाना है। अब जो भी नाम आपको देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था पीबी पुलिस, पुलिस। अब यहाँ पे मैं अभी चेकिंग कर रही हूँ तो मैं सी नाम दे रही हूँ, वरना आप 1 2 3 4 जो भी है दे सकते हैं, ठीक है। अब डन कर दीजिए, ये हो गया। अब इसको क्या है, हमेशा आर्चीव में रखिए, उससे क्या होगा कि वो हमेशा आप आर्चीव में ढूंढ सकते हैं। अब आर्चीव ढूंढने के लिए क्या करना है, इधर जाना है, आपकी जो फ़ोटो दिख रही है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आर्चीव आएगा, उस पर टिक करना है। अब ये देखिए, ये जितने भी मैंने ग्रुप बनाए हैं वो सारे मैंने इधर रखे हैं और यहाँ पर दिख रहा है। जब भी आपको SMS करना होगा इस पर क्लिक करेंगे, खोलेंगे और मैसेज पेस्ट कर देंगे जो हमें मैसेज करना है। जैसे आपको पता है, लेकिन मैं इसमें दिखा देती हूँ, ये वाला है, जैसा ये पूरा कॉपी करना है यहाँ पर पेस्ट करना है और सेंड कर देना है। लेकिन अभी मैं आज कर चुकी हूँ इसलिए मैं अभी दोबारा नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसी तरह से भेजना है, ठीक है।